Hey guys, welcome to my channel WB Free Math Solution. This is Anjana Giri. Today we will start. We have already done up to question number 10, chapter 12 mixture mishran. So today we will start from question number 11. Okay. So question 11 से start करते हैं हम लोग. इससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो. और हाँ, वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, और जरूर कमेंट जरूर करना. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं. एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया है. इस शरबत के कितने अंश को निकालकर उसके बदले बराबर परिमाण में जल मिलाने पर सिरप और जल का परिमाण एक बराबर होगा. यहाँ पे देखो आप लोग की शरबत में सिरप और जल का यहाँ पे अनुपात दिया है 5:2, और शरबत के कितने अंश को निकाले, यानी कि जो विवरेज है हमारा शरबत, उसका कितना अंश निकालकर उसी परिमाण में हमारा ये जल मिलाया गया है. ठीक है, यदि हम इसको x मानते हैं कि सपोज, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कितना निकालेंगे तो इसलिए हम x मानते हैं. यदि हम शरबत के हम लोग सपोज कि x अंश, इसका हम लोग शरबत का x अंश निकाल कर और उतना जल ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा सिरप और जल का परिमाण बराबर हो जाएगा. ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ x, जो x पार्ट हम निकालते हैं शरबत का, x पार्ट निकालते हैं और उतना हमें जल मिलाना पड़ रहा है, यानी कि जल जितना हमारा निकलेगा उसमें हमें x ऐड करना होगा, क्योंकि जल भी उतना ही हमें मिलाना होगा. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. सो हम लिखेंगे यहाँ रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर भी लिख सकते हैं. रेशियो ऑफ सिरप इज टू वाटर इन द बीवरेज, यानी शरबत में हमारा सिरप और वाटर का रेशियो बीवरेज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 5:2. ओके, सो हम यहाँ पहले अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन निकालते हैं. ठीक है, अनुपातिक योग इक्वल टू 5+2 दैट इज 7. अब इस रेशियो में हमारा सिरप कितना है ये हम निकालेंगे. सो यहां लिखेंगे हम लोग सिरप इक्वल टू कितना होगा, पार्ट ऑफ सिरप लिखते हैं. सो पार्ट ऑफ सिरप इक्वल टू, सिरप का रेशियो 5 है, सो 5 / अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन. ओके, 5/7 निकलेंगे. ठीक है, अब इसी तरह से हम पार्ट ऑफ वाटर निकालेंगे. जल का मेरा कितना यहाँ पे भाग है, तो 2/7. ओके, ये हमारा पार्ट ऑफ सिरप और पार्ट ऑफ वाटर निकल गया ये रेशियो में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरबत के कितने अंश को निकाला जा रहा है, शरबत के अंश को. तो हम लिखते हैं कि हम x अंश निकालते हैं शरबत का. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट एक्स पार्ट ऑफ बीवरेज, एक्स पार्ट ऑफ बीवरेज इज टेकन आउट. ओके, एक्स पार्ट ऑफ बीवरेज हमें निकालना पड़ेगा, निकालेंगे हम, और उतना ही परिमाण में हमें वाटर यानी जल मिलाना है. सो हम लिखेंगे एंड इज रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी दैट इज x, यहां मैंने ब्रैकेट में x लिख दिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर. ओके, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर. ओके, सो अब आप लोग देखो कि जो हम x पार्ट हम निकाल रहे हैं शरबत का, यानी विवरेज का हम यदि x पार्ट निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारा सिरप और वाटर कितना है, पहले हम ये देखेंगे. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो सिरप इन x पार्ट ऑफ विवरेज. ओके, विवरेज इक्वल टू, एक्स पार्ट में हम कितना ये है हमारा,
So 5 by 7 into x, that is 5x by 7. Okay. 5x by 7. और इसी तरह से हमारा वाटर भी होगा. सो वाटर इन एक्स पार्ट ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाई 7 इन टू एक्स, दैट इज 2x बाई 7. ठीक है, होप आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा. ओके, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा सिरप, ये तो हम निकाल दिए, एक्स पार्ट में हमारा इतना सिरप है और इतना पार्ट हमारा वाटर है. ओके, अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा, यानी अब जो बचा हुआ पार्ट है हमारा शरबत का, उसमें हम देखेंगे कि कितना हमारा सिरप है और कितना उसमें वाटर है. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो सिरप इन रिमेनिंग बचे हुए भाग में, सिरप बचे हुए भाग में, शरबत का बचे हुए भाग में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बीवरेज इक्वल टू हम लिखेंगे. देखो आप लोग, ये हमारा टोटल था 5x 5 बाई 7. ओके, अब इसमें से हमारा 5x बाई 7 x पार्ट का हो गया है, तो हम इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट में सिरप कितना है ये हमारा निकल जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 बाई 7 है. ओके, सो 5 बाई 7 माइनस ये 5x बाई 7. ओके, दैट इज यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 माइनस 5x बाई 7, एलसीएम 7 है. ओके, इसी तरह से हम निकाल लेंगे अब वाटर का भी. ठीक है, सो हम लिखेंगे वाटर इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिरप इक्वल टू कितना होगा, पहले हमारा था 2 बाई 7, ठीक है, और उसमें से x पार्ट जो शरबत हमने निकाले थे तो उसमें से 2x बाई 7 हुआ था. ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया. लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार जितना हम शरबत निकालेंगे उतना ही हम उसमें जल ऐड करेंगे, पानी वहां पे उतना ही हम मिलाएंगे. ओके, जल मिलाने पे देखो, जितना हम अंश निकालते हैं उतने बड़ी बराबर परिमाण में हम जल भी मिलाते हैं, यानी हमारा यहाँ पे एक्स एड हो जाएगा, यानी प्लस एक्स. ओके, प्लस एक्स इतना होगा. ठीक है, इतना पार्ट है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 2 माइनस 2x प्लस 7x. ठीक है, तो 2 प्लस 5x बाई 7, 7 से 2 गया, प्लस 5 होगा क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 2. ओके, तो 2 प्लस 5x बाई 7 ये पार्ट हमारा निकला वाटर का. ओके, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यहाँ कि जल मिलाने पर सिरप और जल का परिमाण बराबर होगा, यानी कि दोनों को इक्वल कर देना है. ओके, कितना इजी है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 प्लस 5x, जल और सिरप का परिमाण, सॉरी सिरप और जल का परिमाण है, तो पहले हम सिरप को लिखते हैं. सो हमारा सिरप निकला था 5 माइनस 5x बाई 7 इक्वल टू जल, दैट इज 2 प्लस 5x बाई 7. जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसी अनुसार हमें बनाना भी होता है. ओके, तो इतना इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, कैंसिल काटा नहीं जाता है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 5 माइनस 5x इक्वल टू 2 प्लस 5x. ओके, 2 प्लस 5x. अब आप यहाँ देखो, -5x इक्वल टू, इधर से हम इधर लाते हैं +5x को, +5x को यदि हम इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी -5x, 2 माइनस इधर 5 आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस साइन है सो इधर माइनस. ओके,
इक्वल के इधर उधर होता है तो साइन चेंज हो जाता है। 10x इक्वल टू माइनस 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो x इक्वल टू 3/10। ओके, x इक्वल टू 3/10, यानी कि 3/10 पार्ट हम विवरेज का निकाले थे और उतना ही हम जल मिलाए थे, तो हमारा सिरप और वाटर का यानी सिरप और जल का अनुपात बराबर हो गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो 3/10 पार्ट ऑफ विवरेज इज टेकन आउट, विवरेज इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ, या फिर सेम अमाउंट लिखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, देन रेशियो इज इक्वल। ओके, रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, बहुत इजी था ना, बहुत ही इजी है। बस समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम कैसे यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि उतना ही पार्ट हमें निकालना होता है। तो चलो, होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि नीचे के घड़ों को देखिए और गणित की भाषा में लिख कर इसका हल करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। यहाँ पे दो मिश्रण के प्रत्येक उपादानों का परिमाण यहाँ पे दिया हुआ है 5:4 और 3:2। ओके, नए मिश्रण में मिश्रित दोनों के परिमाण का अनुपात यहाँ दिया हुआ है कि यदि हम बराबर परिमाण लेकर चले, यानी हम सपोज बराबर लेना है, इसलिए हम एक्स और वाई नहीं मान सकते, सपोज हम एक्स मानते हैं इसको, तो हमारा नया जो मिश्रण करके और जो नया परिमाण बना है उनका अनुपात यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यदि हम जल और जैसे कि सिरप और जल लेकर, सपोज यदि सिरप और जल लेकर चलें, तो इस तरह से हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जैसे यहाँ दिया हुआ है 5:4 और दिया हुआ है 3:2। ओके, तो यदि हम मानते हैं कि जो नया हमारा परिमाण जो है बना है x:x के रूप में, ओके, x के रूप में यदि हमारा बना है दोनों को परिमाण, यदि सॉरी यहाँ दोनों मिश्रण को बराबर परिमाण में लेना है, इसलिए सपोज मैंने माना कि बराबर परिमाण में हम लोग ले रहे हैं x। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं लिखती हूँ कि हाँ यहाँ पे इसका मिश्रण में इसका अनुपात, यानी कि पहले 5:4 लिखते हैं हम लोग, सपोज जल और सिरप ले रहे हैं, तो जल इक्वल टू जल यहाँ पे कितना होगा, यहाँ अनुपातिक योग, यानी पहले प्रोपोर्शनल एडिशन निकालना होगा। ओके, तो अनुपातिक योग हमारा हो जाएगा 5+4 = 9। तो इसमें सपोज इसे हम जल यानी वाटर ले रहे हैं हम लोग इसे, तो वाटर कितना हो जाएगा 5/9 × x। ठीक है, उसी तरह से यहाँ यानी सिरप हमारा यदि हम लेंगे सिरप, तो सिरप यदि सपोज हम लोग 4 मानते हैं, तो यहाँ पे होगा 4/9 यानी अनुपातिक योग × x। ओके, दैट इज यहाँ 5x/9 और इधर 4x/9। ओके, और इसी तरह से हम इसको भी x मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिश्रण को बराबर परिमाण में लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें जल और दूसरे सिरप में हमारा जल, दूसरे विवरेज यानी दूसरे विवरेज में हमारा जल और सिरप कितना है, तो सेकंड वाले में हम लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे 3 वाटर, पहले लिखेंगे सेकंड में मेरा वाटर है 3, पहले वाटर इज टू सिरप इक्वल टू यहां लिखेंगे 3:2। ओके, सिरप 3:2, उसके बाद हम लोग अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन, अनुपातिक योग क्या होगा हमारा 3+2 = 5। ठीक है, तो फिर हम इसे
फिर से उसी तरह से यानी हम एक्स को लेकर चलेंगे तो हमारा यहाँ पे सिरप पहले वाटर कितना होगा, वाटर होगा 3/5 इंटू एक्स, दैट इज 3x/5। ठीक है, उसी तरह से सिरप निकालेंगे 2/5 इंटू 2/5 इंटू एक्स, दैट इज 2x/5। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यदि हम यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में हमारा उपादान का यानी कि जो ये है जल और सिरप है तो उसका रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि वाटर को वाटर के साथ ऐड करना है और सिरप को सिरप के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो हम वाटर और सिरप का ऐड करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को वाटर के साथ वाटर को ऐड करते हैं। सो यदि वाटर इक्वल टू टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वाटर इक्वल टू 5x/9 प्लस 3x/5 ऐड करते हैं, एलसीएम 45, 9 5s are 45, दैट इज 5 5s are 25x प्लस 4 5 9s are 45, 9 3s are 27x। यहाँ पे हमारा निकला 52x/45। ओके, इसी तरह से हम सिरप का भी निकालेंगे। तो सिरप का हम लिखते हैं सिरप, टोटल सिरप इक्वल टू 4x/9 प्लस ये 2x/5। उसी तरह से यहाँ भी 45 एलसीएम होगा। ओके, 9 5s are 45, 4 5s are 20x प्लस 5 9s are 45, 9 2s are 18x, दैट इज यहाँ पे हो गया हमारा 38x/45। ठीक है, जल और सिरप, वाटर और सिरप यहाँ पे हमारा इतना इतना निकल गया। ओके, अब इन दोनों को रेशियो निकालना है क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा है कि कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो लिखेंगे नए में वाटर और वाटर इज टू सिरप इक्वल टू, वाटर इज टू सिरप इक्वल टू 52x/45 इज टू 38x/45। ठीक है, फिर 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा बचा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचा 52 इज टू 38। इसको 2 से यदि हम काटते हैं तो 26 इज टू 19 हो रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन ये सब बना लेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दी हूँ, आप लोग इस तरह से आप लोग ट्राई करना। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर भी करो, और हाँ कमेंट जरूर करो जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग देखते हो। और क्योंकि मुझे अभी मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है अपना ये चैनल, सो मुझे आप लोगों का पूरा मुझे सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।